हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसीई क्लासेस। सो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रीमिटिव इकोनॉमिक्स के बारे में। मतलब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गाइस हमारा हंटिंग और गैदरिंग। ठीक है, तो आज हम किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं हंटिंग और गैदरिंग के बारे में। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। तो देखो बच्चों, हंटिंग क्या होती है और हमारी गैदरिंग क्या होती है हम अच्छे से समझते हैं। तो देखो, हंटिंग का मतलब हमारा क्या होता है बच्चों? शिकार करना। ठीक है, हंटिंग का मतलब हमारा क्या होता है? शिकार करना। और गैदरिंग का मतलब हमारा क्या होता है? इकट्ठा करना। ठीक है, अगर आप वर्ड को समझोगे तो आपको अच्छे से जल्दी समझ में आएगा। हंटिंग का मतलब हमने आपको क्या बताया? शिकार करना। और गैदरिंग का मतलब हमारा होता है क्या? इकट्ठा करना। ठीक है, अब हम समझते हैं ज्योग्राफी की लैंग्वेज में कि ज्योग्राफी की लैंग्वेज में इकट्ठा करना मतलब गैदरिंग क्या है और हंटिंग क्या है। देखो बच्चों, अर्लीस्ट ह्यूमन बींग किस पर डिपेंडेंट थे अपने सस्टेंस के लिए? किस पर डिपेंडेंट थे? एनवायरमेंट पर डिपेंडेंट थे। ठीक है, अपने वातावरण पर डिपेंडेंट थे। अर्लीस्ट ह्यूमन बींग डिपेंडेंट और देयर इमीडिएट एनवायरमेंट फॉर देयर सस्टेनेंस। मतलब हमें पता है कि जो पुराने समय के मानव है वो किस पर डिपेंडेंट थे? अपने खान पान के लिए, अपने मतलब सस्टेंस का मतलब ये हुआ ना हमारा, अपने रहन सहन के लिए, खान पान के लिए किस पर वो निर्भर थे? वातावरण पर। ठीक है, किस तरीके से? अब उन्हें वातावरण से चीज़ें कैसे मिल रही थी? तो देखिए गाइस, एनिमल विच दे हंट, वो क्या करते थे? वो एनिमल का शिकार करते थे और उन्हें क्या मिलता था? खाना मिलता था। और वो क्या करते थे? जो हमारे एडिबल प्लांट होते हैं, हमारे खाने योग्य, मतलब जिन प्लांट्स को हम खा सकते हैं, इस तरीके के प्लांट, वो उन प्लांट्स को क्या करते थे? गैदर करते थे, मतलब इकट्ठा कर कर रखते थे। कहाँ से? आसपास के फॉरेस्ट से, आसपास के जंगलों से। ठीक है गाइस, आई होप कि आपको क्लियर होगा। तो जो हमारे पुराने, इस वाले पॉइंट का मतलब हमारा क्या है कि जो पुराने मानव है, पुराने समय के जो मानव है वो किस पर डिपेंडेंट थे? अपने खान पान के लिए। किस पर डिपेंडेंट थे? वातावरण पर। और वो वातावरण से किस तरीके से रिसोर्सेज ले रहे थे? जैसे हमने अभी देखा कि खाना, अगर वो क्या करते थे? वो शिकार करते थे खाने के लिए, है ना। आपने पुरानी मूवीज़ में भी देखा होगा, जैसे कोई भी छोटे जानवर, बड़े जानवर है, उनका वो शिकार करते थे और वो क्या करते थे? जो भी एडिबल प्लांट हैं आसपास के फॉरेस्ट में, उन्हें इकट्ठा कर कर रख लेते थे। ठीक है गाइस, और ये जो हंटिंग और गैदरिंग है वो सबसे पुरानी इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती है। ठीक है, सबसे पुरानी है क्योंकि देखो, जो राजा महाराजा का मतलब टाइम था, उस टाइम से ही हंटिंग और गैदरिंग वाला जो प्रोसेस है वो चलता आ रहा है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं कि हंटिंग क्या होती है। द एक्ट ऑफ फॉलोइंग एंड किलिंग वाइल्ड एनिमल और बर्ड्स एज ए स्पोर्ट्स और फॉर फूड। देखिए गाइस, जो बेचारे गरीब आदमी हैं, मतलब जो पुराने जमाने के गरीब मानव थे, वो जो शिकार करते थे वो किसके लिए करते थे? खाने के लिए करते थे, है ना। लेकिन जो राजा महाराजा है वो शिकार किसके लिए करते थे? वो करते थे अपनी स्पोर्ट के लिए, वो अपनी मजे के लिए शिकार करते थे। तो ये जो लाइन है इसका मतलब यही है कि हंटिंग क्या है? हंटिंग जानवरों को मारना है, जानवरों का शिकार करना है, किलिंग वाइल्ड एनिमल और बर्ड्स, पक्षियों का शिकार करना है, किसके लिए? स्पोर्ट के लिए या फिर खाने के लिए। ठीक है गाइस, इसके बाद देखिए आप, पीपल लोकेटेड इन वेरी कोल्ड एंड एक्सट्रीमेटली हॉट क्लाइमेट्स सर्वाइव ऑन हंटिंग। तो जो भी लोग कहाँ पर रहते हैं, ज़्यादा ठंडे इलाके में रहते हैं और जहाँ पर ज़्यादा गर्म क्लाइमेट होता है, वहाँ पर रहने वाले लोग क्या करते हैं? हंटिंग करते हैं, शिकार करते हैं। ठीक है गाइस, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, वहाँ पर लिखा हुआ है कि द पीपल इन द कोस्टल एरिया स्टिल कैच फिश। तो जो भी हमारे, जो भी मानव कहाँ पर रहते हैं? कोस्टल एरिया के आसपास रहते हैं, कोस्टल एरियाज में रहते हैं, वो क्या करते हैं? वो मछली पकड़ते हैं, वो क्या करते हैं? मछलियों को पकड़ते हैं। और गाइस, हमें पता है कि पहले के टाइम में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, मछली पकड़ने के लिए भी पहले सिर्फ एक नेट का यूज़ किया जाता था, नेट या फिर वो कांटा होता है ना, आपने देखा होगा कार्टून में या मूवी में आपने देखा होगा। लेकिन अब टेक्नोलॉजी की वजह से अब ऐसे ऐसे मतलब इतनी बड़ी बड़ी मशीनें आ रही है, शिप आ रही है, कि उनसे आसानी से क्या कर सकते हैं? हम मछली को पकड़ सकते हैं, फिश कैच कर सकते हैं। ठीक है गाइस, उसके बाद देखिए आप, हंटिंग में, अब देखिए हंटिंग का हमें पता है एक क्या है, बुरा प्रभाव भी है हंटिंग का, क्या कि जो मतलब प्रजाति है वो विलुप्त होती जा रही है, वो ख़त्म होती जा रही है ना।
मतलब मैनी स्पीसीज नाउ हैज़ बीन एक्सटिंक्ट और एंडेंजर्ड ड्यू टू इलीगल हंटिंग। मतलब जैसे कि इलीगल हंटिंग कौन सी होती है, जैसे कोई जानवर है उसका शिकार करने पर सरकार ने रोक लगाई हुई है, और अगर कोई भी इंसान उसका शिकार करता है तो वो क्या होएगा इस हमारी इलीगल हंटिंग। और इलीगल हंटिंग को हम पोचिंग के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इलीगल हंटिंग की वजह से क्या हो रहा है, बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं जो खत्म होती जा रही है, ठीक है। और अर्ली मतलब जो पुराने समय में हंटिंग के लिए क्या यूज़ किया जाता था, स्टोन्स पत्थर से बना दिया, जैसे कोई भी चीज़ एरो मतलब जो तीर वगैरह है बाण है ना वो सब यूज किया जाता था। तो क्या था कि वहाँ पर जो शिकार है वो एक लिमिट में होता था, लेकिन टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ती जा रही है उसकी कुछ लिमिट नहीं है, है ना गाइस। तो पहले क्योंकि शिकार करना इतना भी आसान नहीं था, अगर हमारे पास पहले क्या करते थे, जो अपने पा अपने आप पे पत्थर से कोई भी सामान बना लिया, तीर धनुष ये सब बना लिया शिकार के लिए, तो उस टाइम पे क्या हंटिंग थोड़ी सी लिमिट में होती थी। तो गाइस ये था हमारा पूरा हंटिंग का ये कंसेप्ट, आई होप कि आपको समझ आया होगा। अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में, गैदरिंग के बारे में। एंड गाइस अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। एंड लगता है अगर आपको कि मेरी वीडियो यूजफुल है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना ना भूलें। तो देखिए गाइस नेक्स्ट हमारा इसी के अंदर टॉपिक क्या है, गैदरिंग। तो गैदरिंग का मतलब गाइस हमारा होता है इकट्ठा करना, ठीक है। तो गैदरिंग का मतलब हमारा क्या होता है गाइस, इकट्ठा करना। तो गैदरिंग हमारा रिफर्स करती है प्राइमरी एक्टिविटी को, जिसके अंदर जो गैदर्स है वो क्या करते हैं, वो फूड और अदर रिसोर्सेज को क्या करके रखते हैं, अपने पास इकट्ठा करके रखते हैं, किसके लिए, अपने सस्टेनेंस के लिए, है ना। अब देखिए गाइस हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। आपने गिलहरी का नाम सुना है, आप सबको पता है, आपने देखी है गिलहरी क्या करती है, जो भी नट्स होती है खाना है वो अपने लिए इकट्ठा करके रखती है ना। तो वो क्या करती है, वो गैदर करती है, वो गैदरिंग करती है। और कब करती है, वो मौसम की वजह से करती है ना गिलहरी। और चींटी, आपने चींटी के बारे में भी सुना है ना कि चींटियाँ क्या करती है, अपना जो खाना है वो इकट्ठा करके रखती है, वो भी मौसम की वजह से रखती है ना। तो गैदरिंग हमारा क्या है, गैदरिंग हमारा वही प्रोसेस है जिसके अंदर हम फूड या अदर रिसोर्सेज अपने सस्टेंस के लिए इकट्ठा करके रखते हैं, जिसके अंदर हम वाइल्ड फ्रूट, एडिबल प्लांट्स, ड्राई लीफ ये सब उसके अंदर आता है, ठीक है। खाना हो गया हमारा, एडिबल प्लांट हो गए हमारे, और कुछ सूखी पत्तियाँ, ठीक है, आग वगैरह जलाने के लिए, ठीक है गाइस। तो अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है गैदरिंग का। तो गैदरिंग का नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो गैदरिंग है वो कहाँ पर, किस रीजन में ज़्यादा प्रैक्टिस की जाती है, जहाँ पर हार्श क्लाइमेट होता है, मतलब जहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशन बदलती रहती है ना गाइस, जहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशन बदलती रहती है, तो इसलिए क्या करते हैं, उस रीजन में ज़्यादा गैदरिंग करते हैं। तो गैदरिंग के अंदर हमें पता है कि ये प्रिमिटिव सोसाइटी, इन्वॉल्व प्रिमिटिव सोसाइटी, इसके अंदर हम क्या क्या रखते हैं, अपनी नीड्स के लिए फूड रखते हैं हम, क्लोथिंग ये सब, ठीक है गाइस। और इस टाइप की एक्टिविटी के लिए हमें कोई भी मतलब इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता नहीं है, है ना। और इसके लिए टेक्नोलॉजी भी क्या चाहिए गाइस, लो। दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी रिक्वायर अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड ऑपरेट अ वेरी लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। तो गैदरिंग के लिए हमें कोई ज़्यादा बड़ी क्या कैपिटल इन्वेस्टमेंट की नीड नहीं है, और ना ही हमें ज़्यादा टेक्नोलॉजी की नीड है। ओके गाइस, अब देखिए गाइस जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या बोलता है, ये बोलता है कि जो मॉडर्न टाइम है उसमें भी गैदरिंग कहाँ पर है, मार्केट में। देखिए गाइस जो मतलब मॉडर्न टाइम में गैदरिंग हमारी क्या बन चुकी है, कॉमर्शियल बन चुकी है। जैसे कि हमें पता है कि मार्केट में क्या करते हैं, वो जो वैल्यूएबल जो मतलब कि ऐसे प्लांट्स जो मिलने मुश्किल हैं उन्हें अपने पास इकट्ठा करके रख लेते हैं। जैसे कि हमारी वैल्यूएबल प्लांट्स की लीफ है, बार्क ऑफ ट्री है, मेडिकल प्लांट होते हैं हमारे जो मोस्ट यूजफुल होते हैं, और इन्हें एक सिंपल से प्रोसेस के बाद क्या कर देते हैं, ये सेल कर देते हैं मार्केट के अंदर, ठीक है। किस तरीके से, इसके दे यूज़ वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट, ये क्या करते हैं प्लांट के जो पार्ट्स हैं उन्हें यूज़ कर लेते हैं। किस तरीके से, जैसे कि नट्स, हमारे नट्स फॉर फूड एंड ऑयल, नट्स में से तेल निकाल लेते हैं, है ना, और फूड के लिए यूज़ में आ जाती है नट्स। और जो हमारा ट्री ट्रंक होता है उससे रबड़ है, हमारा गम है, ये सब बन जाती है, ठीक है गाइस। तो ये जो गैदरिंग है ये आपका क्या है, कॉमर्शियल भी बन चुकी है। जैसे कि हमने अभी देखा कि मार्केट्स में क्या करते हैं, जो भी वैल्यूएबल प्लांट है उनकी लीफ को, बार्क ऑफ ट्री है, इन सबको इकट्ठा करके रख लेते हैं, और उसके बाद क्या कर देते हैं, सेल कर देते हैं, है ना। और जैसे कि हमने देखा, हमें पता है कि जो नट्स हैं उनसे कितनी मतलब खाने की कितनी सारी चीज़ें बनती है, और जो ट्री है ट्री से भी हमारी रबड़,
गम बनती है हमारी, है ना, ट्री का जो ट्रंक होता है आपने देखा हो, ब्राउन ब्राउन सा होता है, उससे बनती है गाइस। तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक गैदरिंग और हमारा हंटिंग। आई होप गाइस कि आपको क्लियर होगा। एंड गाइस अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।